आदाब नाजरीन, सिदिलकीर तुस देखी रहे हो सिदिलकीर अल्ताफ जुंजुआ नाल। आओ तुसें एक जगह दसने आ, पहले तुस उस जगह की सूरत हाल देखो, फिर उसने बारे तुसें दसना आ कि तारीखी तौर पर, सियासी तौर पर और जज्बाती तौर पर इस जगह की क्या अहमियत है और इस वक्त की सरकार इसने नाल क्या सलूक किया ना और इसनी हालत कही है। पहले आओ अच इसनी हालत देखने, ये इसना दाखली गेट है। उसके बाद तुम देखी सकने इतना झाड़ियाँ, ये पूरा इतना गंद ही गंद इस तरीके ना बने ना कि इस पूरे महल ने जितने भी लोग कश्मीर सारे इसने भी जिथे गंद जितना भी है सारा अंदर इस तरीके ना बने ना जरा कोड़ा दान होना इस पूरे झाड़ियाँ ये नज़ारा तुस देखी सकने हो अपनी अखी ने नाल क्या सूरत हाल है। हूँ अस इस इमारत ने अंदर जुलने हैं और अंदरनी हालत तुसें ही दस्सने आं जी। ये इसना अंदरूनी मंजर है इस इमारत ना, मैं अपने कैमरामैन ही आसा कि अगे आनी तुसें ये दसन। इसने ऊपर छत ये सारा ये इमारत नाजरीन थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तुसें ये इमारत ही देखी होना ओइया ओसिया कि ये कोई पुरानी इमारत है, कोई तारीखी इमारत है और इसना जड़ा बनाने ना तर्ज तामीर है ये भी पुरानी है। नाजरीन तुसें दसने चला कि ये अस इस वक्त जम्मू सरमाई राजधानी जम्मू थी। नाजरीन अस इसलै सरमाई राजधानी जम्मू थी कुछ लगभग 24 किलोमीटर दूर आर.एस.पुरा एक तारीखी शहर है उसने अंदर हाँ। और ये जड़ी जगह तुसा पहले इसने वीडियो भी कुछ इसने मंजर देखे इसनी हस्ता हालत देखी, ये एक बड़ी तारीखी जगह, ये रेलवे स्टेशन पुराना रियासत जम्मू कश्मीर ने अंदर सब थी पहले जड़ा स्टेशन है और जिस वेला पहली इतना रेल आई है ट्रेन आई है और इे स्टेशन होना से तारीखी 1947 थी। पहले ये आर.एस.पुरा जिसी रणबीर सिंह पुरा जड़ा डोगरा महाराजा सन रियासत जम्मू कश्मीर ने उन्होंने नावर उन्हें इस शहरी बसाया और इसना नाम रखा गया। जो जम्मू कश्मीर रियासत ने अंदर सब थी पहले प्लांट शहर, प्लांट टाउन जिसी आने के एक बड़े मनसूबाबंद तरीके नाल जड़ा कस्बा बनाया गया वो आर.एस.पुरा से आ। इसने अंदर बाग बनाए गए, इतने तालाब बनाया गया, इतने पार्क बनाई गई और उसके बाद इतना एक मंदिर तामीर होया और ए स्टेशन से ए एक मरकज से इतू डायरेक्ट जड़ी रेलवे लाइन है वो सियालकोट जानी सी ए वाहिद रस्ता से जिसने जरिए आज जड़ा तुस रस्ता देखी सकने हो जड़ा लखनपुर थी असना ये रस्ता है। ये 1947 नी बंड थी बाद ये रस्ता बनाया गया, उसकी पहले असना इस जम्मू कश्मीर ना जड़ा लिंक से वो रेलवे पटरी ने जरिए सियाल सियालकोट और आर.एस.पुरा ने दरमियान होना से इसने सुचेतगढ़ मीरा साहब और वजीराबाद और ए इलाके ए स्टेशन होने से उन्हें लास्ट स्टेशन से जड़ा ओसिया बिक्रम चौक जिथे आज काला केंद्र बनया ना उसने नाल ही परली साइड SRTC ना जड़ा गैरेज है उत्थे तुस कुछ एक स्टेशन जड़ा आ रेलवे स्टेशन है उसने पुराना जड़ा 1947 नी बंद थी पहले जड़ा स्टेशन होने से उसने उत्थे नशाना तुस देखी सकने हो। ये एक तारीखी मकाम इत्थे आर.एस.पुरा ने बीच तारीख ने मुताबिक इत्थे एक मिल होनी सी इसना जितना भी शुगर कैन चीनी वगैरह बननी सी जड़ा भी सारा कुछ इत्थे अचना से उस वक्त नी जड़ी रेलवे लाइन होनी सी जड़ा ट्रेन सी वो कोयले पर चलनी सी और कोयला जड़ा आ स्टीम वाटर इसी जड़ा आ पानी स्टीम इन्ने वास्ते ये बिक्रम चौक थी भरया जाना से और ये चलनी सी और ये आखिया जाना कि 1867-68 ने दौरान ये स्टेशन बनया उसके बाद 1947 तक लगातार चलना रहा ये पूरा राबता आ उधरों लोग इधर अचने सन तजारत ने एक बड़ा मरकज से आ ये बड़ी तारीखी जगह नहीं थे। आज इस वक्त जड़ा मुनसफ कोर्ट है आर.एस.पुरा ना जड़ी तहसील सदर है वह भी एक तारीखी इमारत ये तुसा देखा पूरी तरीके नाल ना ही महकमा आर्कोलॉजी महकमा आसारे कदीमा जिसी आखने ना तो उसनी नज़र इस दर गई ना ही हुकूमत नी नज़र बल्कि इसने बाहर तुसें अस दसांगे इसने बाहर सज्जी साइड गौरमेंट मिडिल स्कूल बॉयज़ आर.एस.पुरा आया
और खब्बी साइड इसने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गर्ल्स मिडिल स्कूल है। तो ये जगह एक बड़ी इसी अगर हुकूमत इसने तहफ़ करनी, इसने सफाई सुथराई रखी तो ये एक बेहतरीन जगह बनी जैसी। आज थोड़ा जहाँ तुम्हें और इसने बाहर दसना है ये हालत देखो, इसने तुस ये पूरा इतना जितना भी गंदगी है ये इसी एक बनाया गया, इसने तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि तारीखी तौर पर, सियासी तौर पर और जज्बाती तौर पर कई लोगों ने इसने नाल जज्बात जुड़े ने, एहसासात जुड़े ने। इस स्टेशन पर कई सियासी, कई बड़ी तारीखी शख्सियत इस स्टेशन ने जरिए इतने आईया, लेकिन आज तोड़ी ये उन एक खंडरात विच इतने कदे अंदर तुस देखो पहाना पेशाब वगैरह सारा कुछ है। नाजरीन हून अस इसने बाहर ने मंजर तुसें ये दसने आ, इसने उपर तुस देखी सकने हो कि उस वक्त नहीं सरकारी जबान चूंकि उर्दू आनी सी बाकायदा तौर आरएस पूरा इस रेलवे स्टेशन ने उपर उर्दू विच, हिंदी ने विच और अंग्रेजी ने विच अल्फाज लिखे ने। मैं अपना कैमरामैन ही आख सकता है तुसें उपर दसन गए कि बाकायदा तौर पर उस वक्त नहीं जड़ी लिखाई सी रणबीर सिंह पूरा और आर एस पूरा इस स्टेशन ने ऊपर बाकायदा तौर पर लिखा ना आया, लेकिन अफसोसना मुकाम यह है कि हुकूमत बार्डर टूरिज्म नहीं गल तो करनी है कि बार्डर टूरिज्म जड़े सरहद ने इलाका जा सुचेतगढ़ होया और ये बार्डर टूरिज्म जड़े इन्हें प्रमोट किया जाए, लेकिन ये इलाका भी पूरा बार्डर भी चशना आया अगर इसने ऊपर तवज्जो दी जानी इसी इसना आना तो सिया जड़े बारह ने लोग सन एक बड़ी एक तारीखी मुकाम है इसी तकने वास्ते। नाजरीन इस असा एक अस सरहदी इलाके आर एस पुरा आए ने सियाँ उत्थे असा देखी कि यह हालत एक तारीखी मुकाम नहीं। उम्मीद है कि हुकूमत ने जड़े मुतलका महकमा महकमा आर्कोलॉजी या टूरिज्म है उन्होंने ध्यान भी इस तरफ जासी आ और ये एक तारीखी सियासी और जज्बाती तौर पर एक काफ़ी अहमियत नी जगह रेलवे स्टेशन पुराना रेलवे स्टेशन आर एस पुरा इस भी तवज्जाना मरकज़ बनसी और इसनी हालत सुधारी जासी ना कि बांडी और कोड़ा करकट नी जगह ये जड़ा आया बाहर ने जड़े असा ने बारह ने मुल्के थी और बारह ने रियासत थी जड़े लोग बार्डर टूरिज्म ने हवाले ना इतने कई जगह तकने आश ने और जिला सुचेतगढ़ उस एरिया ने दौरा कर सन गया तो वह इतने भी आई सकेंगे।